Tonight is Bansuri Swaraj, Member of Parliament from the New Delhi constituency, where this unfortunate incident occurred in Old Rajinder Nagar. Bansuri ji, thank you very much for joining me. My point here being, where do citizens go? On the one hand, there is the Aam Aadmi Party government, which says that it is helpless. On the other is the BJP, which says it is their job to do it. जनता जाए तो कहां जाए? नविका जी, चुनी हुई सरकार है दिल्ली की आम आदमी पार्टी की, ये अपने निकम्मे पन पर लाचारी का आवरण क्यों डाल रहे हैं? ये जो ट्रेजेडी हुई 22 जुलाई 2024 से स्थानीय निवासी माननीय दुर्गेश पाठक जी से निवेदन कर रहे हैं कि कृपया इस नाले की डीसिल्टिंग करवा दीजिए। आप जानती हैं कि माननीय विधायक जी ने व्यंग करा और ट्वीट करा, लेकिन एक्शन नहीं लिया। 24 जुलाई 2024 का दोबारा निवेदन करा गया, इन्होंने कुछ नहीं करा। वो फोटो इनके संज्ञान में थी जल भराव की। 27 जुलाई को मात्र पौने घंटे की बारिश में इतना पानी भर गया था कि 12 फुट का वो जो बेसमेंट था वो पूरी तरह जलमग्न था। मैं खुद मौकाए वारदात पे थी, मैं आपको बता रही हूं। माय हार्ट गोज आउट टू दोस स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज हुव लॉस्ट देयर लाइव्स इन दिस। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि जब एमसीडी आम आदमी पार्टी की है, यहां पर दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, पार्षद आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद, 60 से ज्यादा एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं, एक दशक से सत्ता भोग रहे हैं यहां पर, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो अपनी लाचारी व्यक्त कर देते। पर दशकों तक एमसीडी में बीजेपी भी थी। नहीं है, फॉर मेनी मेनी डेकेड्स द बीजेपी रूल्ड द एमसीडी। दो वर्षों से And for the last 2 years, who is controlling the MCD? The Aam Aadmi Party? In fact, I'll tell you something which is very pertinent to note. Do you know, pichle saal jab flooding hui thi, uske baad ek committee banai gai thi. Principal Secretary Irrigation and Flood Control, Principal Secretary PWD, CEO Delhi Jal Board and Commissioner of MCD. इन लोगों ने एक प्रपोजल बनाया था 8 अगस्त 2023 को, डीसिल्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रेन्स इन दिल्ली एज वेल एज मास्टर ड्रेनेज प्लान ऑफ दिल्ली बाय दिल्ली जल बोर्ड। दिस प्रपोजल वाज सेंट टू द ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सौरभ भारद्वाज जी ऑन द 21st of August 2023। ही सैट ऑन द फाइल फॉर 5 मंथ्स। 2 फरवरी 2024 को वो फाइल वापस भेजते हैं ये कह के कि प्रेजेंटेशन लाइए। सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करकर 8 अप्रैल 2024 को ये फाइल अधिकारी पुनः ऑनरेबल मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी को भेजते हैं। आप शॉक्ड होंगी, पिछले 3 से 3.5 महीने से ये फाइल माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी की मेज की शोभा बढ़ा रही है। सड़क की मेंटेनेंस दिल्ली में, ड्रेनेज की मेंटेनेंस, सीवेज की मेंटेनेंस, डीसिल्टिंग ऑफ नालास, ये सब की सब पूर्णतः केवल और केवल आम आदमी पार्टी से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री अपना पल्ला इस तरह नहीं झाड़ सकते। बांसुरी जी, इन ऑल ऑफ दिस जनता कहां जाए? मेरी बहुत ज्यादा संवेदनाएं हैं इन बच्चों के, जिनकी जान गई है, और उनके परिवारों के साथ। मेरा आक्रोश केवल एक सांसद के तौर पे नहीं, बल्कि दिल्ली की एक नागरिक और दिल्ली की निवासी होने पर भी है। और मैं आपको सच बता रही हूं, जनता बेहाल है, आम आदमी पार्टी सत्ता के मुंह में मदमस्त है। वेल, apathy इज देयर, discussions in parliament are there, but is there going to be accountability, or is it going to be RIP accountability, because there is a political blame game that's center stage? We leave it at that. Thank you very much, Bansuri Swaraj. इस पूरे मामले में कोचिंग सेंटर की भूमिका भी अहम है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि बिना सुरक्षा व्यवस्था के अवैध तरीके से बेसमेंट में कोचिंग सेंटर क्यों चलाया जा रहा था,
जिन तीन छात्रों की इस हादसे में मौत हुई उनके साथ उसी बेसमेंट में फंसे एक छात्र ने कोचिंग सेंटर के पूरी तरीके से बेहद चौंकाने देने वाले खुलासे किए हैं। हृदेश चौहान, आप सर्वाइवर हैं उस घटनाक्रम के जब हमारे तीन होनहार बच्चे श्रेया, तानिया और नवीन की जिस हादसे में डेथ हो गई, पहले तो ये बताएं कि आप कैसे बचकर निकले और आप ठीक हैं? हाँ मैम, मैं ठीक हूँ और मैं अपने रूम पे ही हूँ। उस टाइम पे मैम थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे साथियों ने जिन्होंने जान खोई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनके परिवार को उस चीज से लड़ने की थोड़ी हिम्मत देना जो सिस्टम के कमियों की वजह से उन्हें जो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पर आप वहां थे, ये पानी एकाएक कैसे आ गया और कितने बच्चे थे वहां बेसमेंट में? मैम अराउंड 30-35 स्टूडेंट वर देयर एंड मोस्ट ऑफ देम कुड कम आउट। व्हाई डिड दीज थ्री पीपल गेट स्टक? क्या सब कुछ बहुत जल्दी हुआ? बिकॉज मैम उस टाइम पे जो वाटर फ्लो था बहुत तेजी से अंदर को आया था, उसकी जो वाटर स्पीड थी बहुत तेजी से, बिकॉज जो एंट्री गेट था अपने मेरे इंस्टीट्यूट का, वो एंट्री गेट उस टाइम पे टूट हुआ था, वो खुल गया था। उसका जो उसके बाद जो फ्लो आया, जो सारा पानी बाहर का जो रोड पे था और आसपास का जो वाटर कलेक्शन था, वो पूरा ही मेरे कोचिंग के अंदर आ गया। आपने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो पानी अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है, उस वक्त कितने बच्चे बाहर आ गए थे और आपने आखिरी बार तानिया, श्रेया, नवीन को कब देखा? मैम एक्चुअली मैं जो बैठा था, मैं और मेरा दोस्त एक जो साथ में बैठे थे, वो उस टाइम पे हम एंट्री गेट के जो फ्रंट पे जो लाइन जो रो थी बैठने की लाइब्रेरी में, मैं और वो दोनों लोग उसी रो में बैठे हुए थे। तो एज ही वन मैन शाउटेड दैट बाहर निकलो जल्दी से, खाली करो, पानी आ रहा है, बस उन्होंने इतना, मेरे जो गार्ड थे उन्होंने ये बोला और उसी टाइम पे हम लोग वहां से निकल दिए। मैंने फिर उस टाइम पे कोई ये नहीं देख रहा था कौन पीछे रह गया कौन, के ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पानी इतनी तेजी से आएगा, उसका फ्लो इतनी तेजी होगा। तो हम लोग फिर उस टाइम पे निकल दिए, पीछे नहीं देखा कौन निकला है कौन नहीं निकला है। एक्चुअली में ये लोग शायद जो पीछे बैठे थे, कॉर्नर में बैठे थे, और उस वजह से वो पीछे रह गए होंगे। हृदेश, पहली बारिश तो ये इस सीजन की थी नहीं, इससे पहले भी कभी किसी ने रेज किया अलार्म के शायद बेसमेंट सेफ नहीं है या नीचे इलीगल कंस्ट्रक्शन है? बहुत से लोग अब कह रहे हैं कि ये इलीगल था, पहले कभी कोई मेंशन हुआ था इस बात का? पहले भी कई बार जब बारिश होती थी तो हल्का पानी भरता था और उस दिन हमारी हॉलीडे कर दी जाती थी, हम लोग वहां पर नहीं जाते थे। और पहले भी ऐसा हुआ है कि पानी भरता था और आपको छुट्टी दे दी जाती थी? इस लेवल पे पानी नहीं भरता था, बट थोड़ा अब पढ़ने के लिए उसमें बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, सो कई बार ऐसा हुआ है जो उसमें थोड़ा वाटर हुआ है, अंदर आया है पानी, बट इतना नहीं कभी सोचा था कि इतना लेवल पे हो जाएगा। थोड़ा पैरों तक पानी और आप नीज तक पानी आता था, बट इतना नहीं होता था, तो उस दिन छुट्टी कर दी जाती थी। ये तो ये सच है, इट इज ट्रू। हृदेश, आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो यही है, हु डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल? आप दोष किसको देंगे? रिस्पॉन्सिबल आर दोज हु डोंट केयर अबाउट लाइफ। ओके, आप उनमें इंक्लूड आप एमसीडीबी या लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो